जो नारी शरीर 10 साल तक एक जन्म होने के बाद दूसरा जन्म नहीं करे, आप आर्टिफिशियल करो या नेचुरली नहीं हो रहा है, तो उसको काकबांध्या दोष कहा जाता है। काकबांध्या नृसिंह कवच में आप देखना, काकबांध्या या नारी मृत्यु पश्चात या भवि जन्म बंधा मृत्यु पश्चात, वो लंबा है। तो कभी भी गर्भ रिक्त नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पे आप 10 साल पार कर चुके हो, समस्या तो होगा। एक पुत्री का भी योग है तो करा लो। आपका बेटा का कुंडली देख के कह रहा हूं, करा लीजिए। हाँ, गर्भधान कब होगा आप मेरे से बात करिएगा, ये महीना खत्म होने के बाद, और फिर मैं आपको निर्धारण बता दूं। या फिर आपके आसपास कोई भी सामान्य लोग बता देते हैं कि यार एक बता दो गर्भधान करना है करके, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और 2 संतान तो कर लीजिए। जरूरी है आपका दोष निवारण के लिए भी और इसका भी कल्याण के लिए, इसको चाहिए। उनके लिए इसका सुरक्षा मिल जाएगा, अपने लिए बच्चा करो नहीं कह रहा हूं, आपका बेटा के लिए बच्चा करो बोल रहा हूं। इसको बैकअप चाहिए, और बैकअप मिला तो ये बहुत उन्नति करेगा। बैकअप नहीं मिला, अकेले हो गया, तो फिर वो बच्चा धीरे धीरे एलोननेस पे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर जो भातृद्रोष थोड़ा कुछ भी है उसका निवारण कैसे करेगा अगर उसका भाई का सेवा नहीं किया तो, और उस भाई का सेवा करेगा तो इसका जीवन का परमोत्कर्ष कल्याण हो जाएगा, वो दोष कट जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, इनका जब बड़े बच्चे, जैसे मेरा बड़ा बेटी जब छोटे का सेवा करती तो उसका बहुत सारे ग्रह का शांति अपने आप हो जाता है। नो एडॉप्शन, एडॉप्शन तभी होगा जब आपका सेकंड इशू नहीं हो रहा है कहीं से, ट्राई करके भी नहीं होता है, या फिर बांध्या दोष लग गया है, या फिर कोई ऑपरेशन करके पूरा मिसिंग ही निकाल दिया है। वो कंडीशन में अगर है आपके पास सारे फ्रूटफुलनेस, काक बांध्या दोष कब तक लगता है, किस उम्र तक, किस आयु तक? जब तक उसका मेंस नहीं बंद होता तब तक लग जाएगा, और उसका परिणाम ये होता है कि उसके हाथ से पानी तक भी नहीं पिया जाता है। काक बांध्या नारी से? हाँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आई जो एडजस्टमेंट बिलीव, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, लेकिन जो अध्ययन किया हूँ उसी हिसाब में आपके सेवा में जो बोलना चाहिए वो बोलता हूँ। और इसका तो विशद विवरणी हमारे शास्त्रों में आते हैं। अभी मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स कैबिनेट मिनिस्टर से फोन आ चुका है, और मैं कैबिनेट मिनिस्टर का बात काट नहीं सकता, तो वहाँ से वहाँ का ऑफिस का काम करके साइन वन मार के कटकी मार के आ जाऊँगा, फिर आगे विचार। आज का दिन इसीलिए रखा हूँ खास। हमारे तो बच्चा भी नहीं, अरे महाराज उससे पहले कराते हैं, काहे टेंशन आपका।